Hey guys, welcome back to another episode of Gaming News Weekly. This is me, Sick Warrior. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप जानना चाहते हो गेमिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड क्या है नई ताजी खबर जो कि आपको एक्साइटमेंट से भर देगी. चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने पहले न्यूज की. सो PlayStation Studios ने एक्वायर कर लिया है Savage Game Studios को, विच इज अ मोबाइल डेवलपमेंट गेम कंपनी. और ये बात आपको पता होगा कि जितने भी PlayStation या Sony के साथ पब्लिशर्स जुड़े हैं वो लोग जब गेम बनाते तो गेम कैसी निकल के आती है, लाइक गॉड ऑफ वॉर, लाइक लास्ट ऑफ अस, लाइक डेज गॉन, ये सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स वो लोग निकालते हैं. तो मोबाइल पे जब PlayStation ग्रुप कोई एक गेम लॉन्च करेगा तो वो कितनी धांसू होगी ये तो आप सोच ही सकते हो. अब अगर हम PlayStation की बात कर ही रहे हैं तो Discord का जो इंटीग्रेशन होने वाला था PS5 के साथ वो हो रहा है अर्ली 2023 में. Discord ऑफिशियली प्रेजेंट होगा PlayStation 5 में. तो जितने भी लोग मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं PlayStation से वो अपने दोस्तों के साथ अब बैकग्राउंड में बातें भी कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें कर पाएंगे when Discord gets integrated with PlayStation completely. अब हम बात करते हैं अगली खबर की, which is Xbox Game Pass. और Xbox Game Pass का अगर आपके पास प्लान है, अगर नहीं है तो मैं तो रेकमेंड करूंगा जाओ तुरंत लो. और अगर आपके पास है तो ये प्लान को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अब शेयर कर सकते हो जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स. तो कुछ टाइम पहले एक लीक हुई थी जिसमें पता चला था कि Logitech G और Tencent के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है. अब ये जो कोलैबोरेशन है कोई गेमिंग टाइटल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर अ डिवाइस. जी हाँ दोस्तों, Logitech G एक गेमिंग हैंडहेल्ड डिवाइस बना रहा है जस्ट लाइक Nintendo Switch. इट्स अ हैंडहेल्ड डिवाइस जो कि आज के जनरेशन के गेम्स को चलाने की कैपेबिलिटी रखेगा. जी हाँ दोस्तों, जो गेम्स आप पीसी पे खेलते हो, कंसोल पे खेलते हो, वो हैंडहेल्ड डिवाइस पे खेल पाओगे. अब हम बात करते हैं Assassin's Creed की. तो Assassin's Creed का नया गेम Assassin's Creed Mirage लीक हो चुका है. दिस गेम विल कम इन 2023 और सितंबर में Assassin's Creed Mirage का ऑफिशियल रिवील होगा जिसमें कि आई थिंक कोई इवेंट होगा जिसमें वो लोग ट्रेलर, गेम प्ले और ये सब चीजें दिखाएंगे. आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट Assassin's Creed Mirage. दिस इज सपोज्ड टू बी सेट इन मिडिल ईस्ट. लेट्स सी क्या होता है भाई, गेम किस तरीके की होगी, गेम प्ले किस तरीके का होगा, ग्राफिक्स कैसे होंगे, सारी चीजें पता चलेंगी बहुत जल्द. अब हम बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर 2 की. तो मॉडर्न वॉरफेयर 2 का कैंपेन का काफी पार्ट लीक हो चुका है ऑनलाइन ट्विटर पे. सो अकॉर्डिंग टू द लीक्स, मॉडर्न वॉरफेयर 2 के गेम प्ले में डेजर्ट, वॉटरवेज, ऑयल रिग कमीशन, साथ ही साथ कार हाईजैकिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं जिससे कि हमें एक पता चलता है कि गेम बहुत सॉलिड होने वाला है, कैंपेन बहुत सॉलिड होने वाला है. मैं तो डे वन पे मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेलने वाला हूं. आप लोग खेलोगे कि नहीं बताना कमेंट सेक्शन में भाई. सो यूबीआई सॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो अपनी 15 गेम्स की ऑनलाइन सर्विसेज को शट डाउन करने वाले हैं. जी हां दोस्तों, ये जो गेम्स हैं इनकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारे गेम्स की ऑनलाइन सर्विसेज बंद हो जाएंगी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू प्ले देम मल्टीप्लेयर. अब हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की. जी हाँ दोस्तों, फेसबुक गेमिंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने फेसबुक गेमिंग वाली मोबाइल ऐप को परमानेंटली शट डाउन कर देंगे एंड दे आर वाइंडिंग अप. एंड इस साल के एंड तक आई थिंक दे विल कंप्लीटली शट डाउन द ऐप. दे वर ट्राइंग टू बी देयर अमंग्स YouTube, Twitch एंड अदर गेमिंग लाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड दे वर कंपीटिंग देयर. कहीं ना कहीं दे वर नॉट एबल टू डू इट. आई थिंक अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी कुछ टाइम तक, कुछ टाइम में क्या पता वो भी बंद हो जाए. अब हम बात करते हैं Apex Legends की. तो जी हां दोस्तों, Apex Legends में एक नया गेम मोड आने वाला है जिसका नाम है गन गेम मोड. कि आप शुरुआत करते हो एक छोटी गन से, एंड करते हो गेम एक बड़ी गन तक. मतलब समझ लो Valorant में है गन गेम मोड, काउंटर स्ट्राइक में था गन गेम मोड. शुरुआत होगी उसकी P2020 से, आप स्पॉन होगे P2020 के साथ एंड लोगों को मार मार के यू विल गेट स्ट्रॉन्गर. इस चीज का लीक हुआ है Twitch Rivals में जिससे हमें पता चलता है कि गन गेम मोड आने वाला है. अब हम बात करते हैं Valorant की. तो Valorant का जो मैप है फ्रैक्चर, उसका कंप्लीट रीवर्क आने वाला है. आप बताओ कि भाई आप क्या चाहते हो, फ्रैक्चर में जो चेंजेस हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, क्या वो बीच वाली जो जिप है उसमें चेंजेस होने चाहिए, या देखा जाए इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैप, तो क्या आप चाहते हो ये और ज्यादा बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैप हो, या जैसा है वैसा सही है. जो भी चेंजेस आपके मन में जरूर बताना, देखते हैं कम्युनिटी क्या चाहती है भाई फ्रैक्चर मैप से. अब हम बात करें फ्री गेम्स की. तो एपिक गेम स्टोर पे इस हफ्ते शैडो ऑफ द टूम रेडर डेफिनेटिव एडिशन एंड सबमर्ज, ये दो बेहतरीन गेम अपने टाइम की तो अच्छी गेम है. और ये जो दो गेम है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. एक बार जाना है आपको उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड ये आपके अकाउंट में हमेशा के लिए रहेंगी. एपिक गेम्स ऐसी गेम्स हर हफ्ते लेके आता रहता है
है जो कि हम कवर करते हैं अपने गेमिंग न्यूज वीकली के एपिसोड में। अगर आप चाहते हो और भी ऐसी चीजें आपको पता चले तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट मोर। अब हम अपनी फाइनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, विच इज अबाउट BGMI। तो आपको भी पता है इंडिया में BGMI कुछ टाइम पहले बैन हो गया था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी। और BGMI बैन के बाद अब नई खबर सामने आ रही है कि जितने भी लोग हैं जो BGMI ऑलरेडी खेल पा रहे थे, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, वो लोग अब नया रॉयल पास नहीं परचेज कर पा रहे हैं, इवन आफ्टर हैविंग द UC विच इज रिक्वायर्ड टू बाय द रॉयल पास। अब ये चीज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बैन है, और जब तक बैन लिफ्ट नहीं होता तब तक आई थिंक परचेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो रिपोर्टिंग कि जितने भी इन स्टोर आइटम्स थे उनकी करेंसी पहले जो इंडियन करेंसी में आती थी, अब वो इंडियन करेंसी से हट चुकी है, अब उनको कोई और करेंसी वहां पर दिखाई दे रही है। अब जब तक BGMI बैन तो हट नहीं जाता तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं आपको जरूर बताता रहूंगा अपने गेमिंग न्यूज वीकली के एपिसोड में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको भी लगता है कि कोई न्यूज है जो इसमें कवर नहीं हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक विद अनदर बैंगर ऑफ गेमिंग न्यूज वीकली एपिसोड।